दोस्तों आप सबका स्वागत है प्याजू के यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर मैं आपको प्याजू के नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी और जो नए इनिशिएटिव प्याजू लेती है अपने कस्टमर के लिए उसकी जानकारी देता हूँ। आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक नया प्रोडक्ट जो कि आपे एक्स्ट्रा एचटी के नाम से आया है। ये गाड़ी 300 cc इंजन, CNG पेट्रोल हर एक ऑप्शन में उपलब्ध है मार्केट में। अभी रिसेंट लॉन्च हुई है। गाड़ी का फ्रंट आप देख सकते हैं कितना शानदार है, बड़े बड़े इंडिकेटर्स और हेडलाइट के साथ ये गाड़ी आई है। इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की मैं बात करूं तो ये गाड़ी कार्गो डेक में, इस कार्गो ट्रे के अंदर 5.5 और 6 फुट के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल है। कंपनी ने इस बात का ध्यान रखा है कि कम कीमत के अंदर ग्राहक को ज़्यादा सामान ढोने की आज़ादी मिले और उसकी अर्निंग ज़्यादा बढ़े। उसी के साथ इसकी इंजन कैपेसिटी जो पहले 230 cc थी उसको बढ़ाकर 300 किया गया। 300 cc इंजन के साथ साथ उसमें इंजन को वाटर कूल की सुविधा दी गई है विद 5-स्पीड गियरबॉक्स। अभी हम डैशबोर्ड की बात करें तो ये गाड़ी CNG के अंदर अभी उपलब्ध है। जहाँ पर भी CNG है की उपलब्धता है, ये वाहन वहाँ पर अवेलेबल है बिक्री के लिए। स्टेयरिंग की, डैशबोर्ड की हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में सारी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि CNG का लेवल, इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई भी इंडिकेशन या कोई जानकारी वो इन लाइटों के अंदर अपेयर होती है। गाड़ी की इसके अंदर 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है जो कि आपको लोड ले जाने और अन्य कार्यों के लिए किसी हाईवे पे अच्छी एवरेज देने के साथ साथ, हाई टॉर्क गियरबॉक्स है तो अच्छी एवरेज के साथ साथ आपको ज़्यादा शक्ति मिलती है। इस गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी लगाने की एक सुविधा दी गई, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ये स्पीकर दिए गए हैं, 2 स्पीकर एक इधर और एक इधर, जिससे कि आप समय व्यतीत करने के लिए म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। और ये स्विच है, इस स्विच के माध्यम से आप गाड़ी को पेट्रोल या फिर CNG मोड के अंदर आप स्थानांतरित कर सकते हैं, चेंज ओवर कर सकते हैं। ड्यूल फ्यूल गाड़ी है, सामने बड़ा वाइपर है, सिंगल पीस ग्लास है और ड्राइवर के कंफर्ट के लिए आप इस गाड़ी को सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेल्फ के लिए बटन दिया गया, आपको स्विच ऑन करना है यहाँ से और ये गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट हो जाएगी। हेडलाइट के लिए ऑन ऑफ बटन दिए गए हैं, हेडलाइट बड़े हैं, लाइट हैं, स्विच इतने स्मूथ हैं, आप देखेंगे एक बटन में आपका ये लाइट जल गई पार्किंग, और ये ऑफ बटन, ये आपका सेंटर बटन जिससे कि लाइट चल गई और ये हेडलाइट ऑन हो जाएंगे। इससे अभी जैसे दबाएंगे तो हेडलाइट सामने ऑन होंगी। तो गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि दिन के अंदर भी, दिन के उजाले में भी कितनी ज़बरदस्त रोशनी आगे जा रही है, हेडलैम्प कितने अच्छे हैं इस गाड़ी के। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको जो सुविधाएँ मिलती हैं, यहाँ पर लॉकेबल ग्लो बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना सामान, कीमती सामान पेपर रख सकते हैं। इसके अलावा फ्यूज़ बॉक्स यहाँ दिया गया है, डोंगल लगाने की सुविधा यहाँ पर दी गई है, फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। ब्रेक बहुत कंफर्टेबल तरीके से आप लगा सकते हैं, आप इजीली ऑपरेट गाड़ी कर सकते हैं, आपको हल्के ब्रेक से भी गाड़ी रुक जाती है। इस गाड़ी की मैं आगे बात करूं तो आपको इस गाड़ी पे लगभग 36 महीने की वारंटी मिलती है, सुपर वारंटी मिलती है। आप यदि सारी सर्विस गाड़ी की डीलरशिप पे कराते हैं अथवा सेंटर पे कराते हैं तो तुरंत के तुरंत आपको 36 महीने तक आप किसी भी किस्म के इंजन या गाड़ी से संबंधित जो भी वारंटी पुस्तिका में इसकी जानकारी दी गई है उसके हिसाब से आप अपनी वारंटी सुविधा ले सकते हैं। डोर लॉकेबल हैं, मजबूत हैं। साथ के साथ अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्रेक फ्लूड का सिस्टम है उसको यहाँ शिफ्ट करके यहाँ दिया गया है। उसका फ़ायदा क्या है कि कभी भी आपको अंदर आने या बाहर जाने में कहीं पर भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा, इजी एंट्री है। अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये यहाँ पे स्टेपनी दी गई है। इंजन की बात करें तो मैं आपको पहले पीछे दिखाना चाहूँगा। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 230 cc का वाटर कूल्ड इंजन दिया गया है। ये देखिए कूलिंग टैंक है, नीचे जो दिया गया है ये रेडिएटर दिया गया गाड़ी के अंदर जो कि क्रैंक की स्पीड के साथ ही चलता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, आप गाड़ी के अंदर सिर्फ गैस डलाएंगे, टायर में हवा डलाएंगे और गाड़ी खुशी खुशी आप चला सकते हैं। कहीं पर आपको कोई सेटिंग या कोई अन्य कार्य ऐसा नहीं है जहां पर कि आपका वक्त बर्बाद होगा या फिर आपको वर्कशॉप आना पड़ेगा। इसके अलावा गाड़ी पर 6 सर्विस दी गई हैं जो कि फ्री सर्विसेज हैं।
सबसे बड़ी बात है कि इस फ्री सर्विस के अंदर जो कंज्यूमेबल्स हैं वो आपको पे नहीं करने, एक साल तक कंपनी उनका निर्वाह करके देगी आपको। गाड़ी के अंदर थ्रोटल बॉडी और साथ में सीएनजी के लिए अलग से एक अरेंजमेंट दिया गया, जिसमें कि सेंसर्स वगैरह और एक्चुएटर है, और साथ में इंजेक्टर सिस्टम दिया गया जिससे कि गाड़ी के अंदर जो गैस है वो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से पहुँचती है, ताकि और गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये ब्लैक कलर का कवर देख रहे हैं, पहले ये दूसरे वाहनों में ये खुला रहता था, लेकिन अभी इसके अंदर इसको कवर किया गया है ताकि यहाँ पर कोई भी डस्ट एंट्री या कोई अन्य समस्या की वजह से ये ख़राब ना हो। रेडिएटर सिस्टम आप देख सकते हैं, कूलिंग का सिस्टम दिया गया है, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत इफेक्टिव तरीके से प्याजों ने यूज़ करी है और कस्टमर को कुछ अच्छा देने की कोशिश करी है। अभी हम साइड की बात करें तो ये फ्यूल टैंक भी दिया गया है इमरजेंसी के लिए, किसी भी कारण से यदि कहीं पर आपका कहीं गैस ख़त्म हो जाता है या कुछ कारण है तो आप फ्यूल टैंक से पेट्रोल भराकर आप आगे की यात्रा कर सकते हैं या निकटतम स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पर सीएनजी मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने सारे सुधारों के साथ साथ कंपनी ने इसके अंदर ये जो स्नॉर्कल सिस्टम, ये आप जो स्नॉर्कल सिस्टम देख रहे हैं ये इसको अलग से प्रोवाइड कराया है ताकि कहीं से भी गाड़ी के अंदर डस्ट एंट्री या इंजन के अंदर फिल्टर की लाइफ बढ़ाने के लिए डस्ट एंट्री वगैरह ना हो, उसके लिए अलग से दिया गया है, जो कि पूरे ये इस माध्यम से रूट होके और वहाँ पर पीछे एयर फिल्टर के अंदर वो पहुँचता है। मजबूत चेसिस है, बैटरी है और पियाजो का विश्वास है। ये प्रोडक्ट सीएनजी और आपका पेट्रोल ऑप्शन के साथ आता है, साथ के साथ पियाजो ने इसके जो पहले जो सुधार किए थे उसमें से एक आपको बताना चाहूँगा। गाड़ी की हाइट देखिए, कैबिन की हाइट देखिए कितनी ज़्यादा ऊंची की है। इसका पर्पज़ क्या है कि कोई भी व्यक्ति को, अंदर बैठे ड्राइवर को गर्मी ना लगे, उसके सिर के ऊपर जगह काफ़ी रहे और इसके अलावा गाड़ी के अंदर अंदर घुसने बाहर निकलने में भी कोई दिक्कत ना हो। साथ के साथ यहाँ पीछे स्लाइडिंग डोर ग्लास दिया गया है, जिस ग्लास से आप, जिसकी मदद से आप हवा या अपने हिसाब से लेने के लिए इसे खोल या बंद कर सकते हैं। आप देखेंगे कितना इजीली काम कर रहा है और ये लॉकेबल है। ये हेडरूम है गाड़ी का, कितना स्पेस है। जनरली यदि यहाँ देखेंगे हम तो यहाँ से और यहाँ पे कम से कम आप देखेंगे तो लगभग एक फुट से भी ज़्यादा के करीब जो जगह मिलती है हेडरूम के लिए। डैशबोर्ड दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, हैंड ब्रेक है, ईजी है, स्मूथ क्लच है, बहुत स्मूथ, देखिए कितना स्मूथ क्लच है। इसके अलावा गाड़ी का जो एक्सेलेटर है आप देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ है, आपको फील नहीं होगा कि आप कोई ऐसा, मतलब जो जिस टेक्नोलॉजी का आप गाड़ी को चला रहे हैं उसका आपको एक स्मूथनेस का फील होगा। पाइपर मोटर दिया गया है, यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है, इस पॉइंट से मोबाइल यू कैन चार्ज योर मोबाइल ऑल्सो। और ये सेफ्टी जानकारी, सेफ्टी टिप्स इसमें दी गई हैं जो कि आपके वाहन चलाने में आपको मदद करेंगी। पियाजो का नेटवर्क, पियाजो कमर्शियल व्हीकल के लिए हिंदुस्तान में जाना जाता है, इटालियन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी, पहली कंपनी है जो थ्री व्हीलर सेगमेंट के अंदर, और जिसने दुनिया को थ्री व्हीलर दिया है, स्कूटर दिया है। पियाजो कंपनी के बारे में आपको और बताना चाहूँगा कि पियाजो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और एयरक्राफ्ट, इसके अलावा बहुत सारे रोबोटिक्स वगैरह में भी बनाती है और दुनिया को अपनी सेवाएं दे रही है। इस गाड़ी को आप लेना चाहें या इस गाड़ी के बारे में और कोई जानकारी देना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, पियाजो यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं और अपने विचार वहाँ रख सकते हैं, आपको आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी। मेरा निवेदन है आपके जो भी मित्र, दोस्त, फ्रेंड्स या कोई भी भाई जो रोज़गार अपना बढ़ाना चाहता है वो गाड़ी को लेना चाहे तो ये गाड़ी उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप उसके लिए मुझसे जानकारी के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।